नमस्कार, मेरे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि एग्ज़ाम्स के बारे में जो अभी तक हुआ नहीं है और ढेर सारा एग्ज़ाम है जो अभी तक कंडक्ट नहीं कराया गया है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो रेलवे बोर्ड को आप देख सकते हैं कि रेलवे बोर्ड में फॉर्म भरा गया था ग्रुप डी का, NTPC का। तो ग्रुप डी का होना था NTPC के 7th फेज के बाद, लेकिन अभी तक 7th फेज कंडक्ट नहीं कराया गया है। और इसका अभी क्या डेट है क्या नहीं है उसका कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। आप अभी हर रीजनल वेबसाइट पे जाकर देखिए रेलवे बोर्ड का, तो आपको NTPC के एग्ज़ाम के लिए कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, ना ही ग्रुप डी के लिए मिलेगा। और अभी जितने भी यूट्यूब चैनल हैं उसमें भी बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम के बारे में अभी कोई फ़िलहाल कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं है। तो जब तक ऑफिशियल जानकारी नहीं आता है तब तक ये कहना मुश्किल है कि एग्ज़ाम जून अभी चल रहा है यानी जुलाई में होगा या नहीं होगा, इसके बारे में कहना भी मुश्किल है। और बच्चे जो हैं, सारे स्टूडेंट जो हैं, सारे छात्र जो हैं, वो तैयारी में लगे हुए थे कि एग्ज़ाम का डेट निकलेगा, लेकिन एग्ज़ाम हो नहीं रहा और बच्चे परेशान हैं। बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि पढ़ाई की जानी चाहिए या नहीं की जानी चाहिए। सब उब चुके हैं कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा, ठीक है। तो उनका जो मेहनत है वो क्या हो रहा है, उनका मेहनत बर्बाद जा रहा है। और साथ ही अगर देखें कि उम्र की सीमा की भी एक हद होती है, तो रेलवे बोर्ड को ये समझना चाहिए कि उम्र जो है सभी का है ना, सभी को उम्र के साथ चलना पड़ता है। किसी का फैमिली में काफ़ी ज़्यादा परेशानी है, ठीक है, तो वो बच्चे जो तेज हैं पढ़ने लिखने में, जो एग्ज़ाम निकाल सकते हैं, तो वो तो एग्ज़ाम तो निकाल तो सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम होगा तब ना वो निकालेंगे। और अगर एग्ज़ाम हो भी जाता है तो उसके बाद भी बहुत सारे आगे प्रोसेस होते हैं। Tier 1 होता है, Tier 2 होता है, फिजिकल होता है ना, मेडिकल होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब होते होते तो आप जो हैं साहब रेलवे बोर्ड का बात करें तो 4 से 5 साल आप लगा रहे हैं। SSC का भी बात करें यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का भी बात करें तो उनका भी वैसा ही हाल है। 2018 का जो फॉर्म भराया गया था तो अभी तक उनका कोई क्लियर नहीं हुआ अभी तक। जिनका भी मतलब मेरिट लिस्ट में नाम हो गए उसका ज्वाइनिंग होने वाला था, अभी तक ज्वाइनिंग हुआ नहीं है। तो सभी परेशान हैं। और कोरोना जो है ना, कोरोना महामारी अगर है तो अगर सरकार अगर तत्पर रहती कि इसको हमें कराना है, ठान लेती, तो कोरोना महामारी क्या, इससे भी बड़ी महामारी भी आ जाती ना, तो सरकार एग्ज़ाम को करा लेती है ना। लेकिन सरकार नहीं चाहती है कि एग्ज़ाम कराया जाए। सरकार अगर चाहती तो एग्ज़ाम हो सकता था। अब ये नहीं पता कि वो क्यों नहीं चाहती है। वो सिर्फ दिन को आगे बढ़ाना चाहती है कि जैसे जैसे दिन बढ़ेगा हमारे लिए जो अगला वैकेंसी आएगा उसके लिए भी दिन को टाल दिया जाएगा। तो ऐसा कुछ हो रहा है अंदर में, और हमारे बच्चों में एकजुटता नहीं है। रेलवे बोर्ड रेलवे की तैयारी कर रहे हों या SSC की तैयारी कर रहे हों, उनमें अगर एकजुटता आ जाए तो शायद कुछ ना कुछ हो सकता है। तो यही तो करना है हमें, फिर से कंपेन चलाना है। जो भी आप लोग सोशल मीडिया के हैंडल्स में आप करते हैं वो करना होगा, सभी को जगाना होगा, अन्यथा आने वाले समय में बेरोजगारी की सीमा इतनी बढ़ जाएगी, पढ़े लिखे नौजवान मजदूरी करते हुए आपको नज़र आएंगे। आप देखेंगे कि BTEC किए हुए, इंजीनियरिंग किए हुए लड़के हों या ग्रेजुएशन किए हुए लड़के हों, वो आपको किसी दुकानों में या किसी ये में आपको काम करते हुए नज़र आएंगे। क्यों? इसका यही कारण होगा कि अभी का वर्तमान में जो सरकार है उन्होंने लापरवाही की है। और अगर हम लोग जागरूक नहीं हुए तो आगे भी वो लापरवाही करेंगे। आपको तो पता ही है कि उन्हें सिर्फ वोट से मतलब होता है, वोट निकल जाए बस। फिर जब इलेक्शन का बारी आएगा तो इलेक्शन मान लीजिए कि अगले साल होगा तो इस साल फिर एकदम रफ्तार को बढ़ा देंगे, एग्ज़ाम वगैरह का काम करने का रफ्तार को बढ़ा देंगे ताकि अगले साल उन्हें वोट मिल सके। तो राजनीति काफ़ी गंदी खेली जा रही है हमारे देश में। बच्चों का भविष्य को देखिए, पढ़े लिखे उनके माता पिता अपने बच्चों पे निर्भर हैं बुढ़ापे में। बुढ़ापा जब माता पिता का आ जाता है
वो किन पर निर्भर रहते हैं? उनके बच्चों पर। और अगर उनके बच्चों को ही रोजगार नहीं मिलेगा तो माता पिता को कैसे संभालेंगे, अपना फैमिली को कैसे ये करेंगे, है ना? तो यही कहना था, और वीडियो को मैं यहीं पे अभी समाप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, अभी मैं फ़िलहाल वीडियो नहीं बना रहा हूँ क्योंकि आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अगर जब तक नहीं सपोर्ट करेंगे चैनल को, तब तक मैं अभी वीडियो नहीं बनाऊँगा। किसी एग्ज़ाम के बारे में जानकारी देने का रहेगा तो वो भी मैं शायद नहीं दे पाऊँगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।